नमस्कार, मैं आपकी होस्ट ओल्डी गोल्डी फ्रॉम सिंपल कुकिंग। आज का मेरा मेनू है आलू का पराठा, और आलू के पराठे के साथ लहसुन और सूखे नारियल की खड़ी चटनी जो हमारी महाराष्ट्रियन लोग में बनाते हैं। तो चलिए हम किचन में जाकर पूरा सामान देखते हैं। सबसे पहले तो आलू का पराठा बनाने के लिए मैंने ये आलू उबाल कर लिए हैं, और इस आलू की हम अभी सब्जी बना लेंगे। तो सब्जी बनाकर हम सब्जी ठंडी होने के लिए रखेंगे, इसलिए सबसे पहले हम सब्जी बना लेते। तो आइए, इस सब्जी के लिए मैंने यह हरी मिर्च का मसाला तैयार कर लिया है। 3 हरी मिर्च, 3 लहसुन की कलियां, जीरा, नमक और आधी मुट्ठी हरा धनिया, ये डालकर मैंने बिना पानी के ये मसाला पीस लिया है। अब मैं सिर्फ 2 या 3 पराठे बनाऊंगी, तो मैं ज़्यादा तेल यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। खाली तड़के के वास्ते तेल इसमें डाल रही हूँ कि बस थोड़ा सा तड़का हो जाए मेरा। और इस तड़के के लिए फिर हम राई लेंगे, मैंने हरा मसाला लिया ही है। और हम ये थोड़ा सा हींग डालेंगे इसमें, और हल्दी, थोड़ी सी हल्दी और नमक। तो आलू का हरा मसाला अभी बन जाएगा। अब ये थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, और ये थोड़ा तेल गर्म होने देते हैं, बाद में हम आलू का मसाला बना लेंगे। अब हम इसमें राई डालते हैं, तो राई फूटेंगी फिर बाद में गर्म होकर। मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया है, और अब मैं इसमें ये हरी मिर्ची जो है मेरी ज़्यादा तीखी नहीं है, तो मैं ये 1, 2 और 3 चम्मच में ये सिर्फ डाल रही हूँ। ये इसलिए 1 चम्मच डाला। अब मैं गैस कम कर लेती हूँ, और अब मैं अब हल्दी डालती हूँ ताकि ये जले नहीं। हल्दी भी मैंने डाली। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करके अब हम इसमें थोड़े आलू हमारे डालेंगे। अब हम इसमें आलू के मसाले में नमक डाल देती हूँ ताकि ये जल्दी तेल की भाप में पक जाए। मैंने डाल दिया है, और अब मैं इसको बाजू में रख देती हूँ। आलू का मसाला होने के बाद हम आटा गूंद लेंगे। आटा हमें बहुत नरम गूंदना है, तो मैं आटा आपको अब गूंद कर बताती हूँ। ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा आटा नहीं गूंदने वाली हूँ, तो जल्दी हो जाएगा। और फिर मैं आपको जो चटनी है वो चटनी भी बताती हूँ। खड़ी चटनी भी क्या है, कैसी बनाते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये खड़ी चटनी 15 दिन आराम से चल जाती है। आप फ्रिज में रखिए दही के साथ, या फिर कोई आप सब्जी बना रहे उसमें भी आप ये लहसुन की खड़ी चटनी डाल सकते हो। सब्जियों के कई मसालों में ये लहसुन की खड़ी चटनी आप उपयोग में ला सकते हो। तो मेरा अब ये देखिए, ये मसाला बन गया है। तो मैं अभी इसे गैस को मैं अब बंद कर देती हूँ, इसमें इसे ठंडा होने देंगे। अब मैं आपको मैंने ये छोटी परात ले ली है, और इस परात में अब मैं आटा, मैं 3 चम्मच के करीब आटा इसमें लेने वाली हूँ।
आटा ले लिया है। आटे में मैं अब थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी। ये जो आलू का मसाला था, आलू के मसाले में मैंने हरा धनिया नहीं डाला था, वो मैं अब ऊपर से हरा धनिया इसमें डाल रही हूँ और इसको एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेती हूँ। हमारा मसाला दिखने में भी अच्छा है और उसकी टेस्ट भी बढ़ जाएगी। तो अब मैं इसे रखती हूँ। अब इसमें मैंने नमक डाला है और मैं इसमें एक चम्मच तेल डालूंगी ताकि मेरा पराठा अच्छे से गूंज जाए और सॉफ्ट बन जाए। अब यह आटा गूंदने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पहले वेल मिक्स कर लिया है। मैंने ये आटा इतना नरम गूंद लिया, देखिए पूरन की रोटी के लिए जैसे आटा बनाते हैं चिक्कट, वैसा आटा मैंने गूंद लिया है। अब मैं आपको पराठा एक बेल कर दिखाती हूँ। पहले आटे की लोई को इस तरीके से आप फैला ले और बीच का हिस्सा उसका मोटा ही रखे और ऊपर अब आप इसको बंद कर दें। अगर ये आपके हाथ को चिपकता है तो आप थोड़ा सा तेल ले सकते हो। तो अब मैंने इसको बना लिया है और मैं इसको अब बेलूंगी। मैंने तवा गरम कर लिया है तो आपको मैं दिखाती हूँ तवे पर, और थोड़ा सा अभी गैस कम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इसे बेलना है। इसे हम जोर देकर नहीं बेलेंगे या दबाकर नहीं बेलेंगे, बहुत हल्के हाथ से हमें इस आटे को बेलना है ताकि साइड से इसका मसाला नहीं निकलेगा। और भरपूर मसाला डालकर हमने ये पराठा बनाया है तो पराठा खाने में भी बहुत मज़ा आएगी। और बहुत पतला भी इसे नहीं बेलना है, आप पतला बेलोगे तो ये फट जाएगा और खाने में तो मज़ा आएगा नहीं, तवे को सब चिपक जाएगा और फिर आप बोलोगे कि हमें अच्छे से नहीं समझा या फिर आपने हमें ठीक से नहीं बताया। ये देखिए ये आटे का मैंने इतना मोटा पराठा बना लिया है। और सबसे पहले तो हम गैस फुल कर देंगे और गैस फुल करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा ये दूसरी भी लोई मैं बना लेती हूँ। जैसे ही ये ऊपर से अच्छे से हो जाएगा तो हम उसको निकाल लेंगे। लोई का आटा हमारे हाथ को ना चिपके इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है। अब देखिए ये नीचे से ये हो गया, मैं इसे पलट देती हूँ और थोड़े दाग इसके ऊपर लाल दाग आए हुए हैं तो मैं इसके ऊपर मैं तेल लगा देती हूँ। देखिए आपको अगर गरम गरम खाना है तो आप घी या बटर लगाकर पराठा सेक सकते हो, लेकिन अगर आपको डब्बे में देना है, टिफिन में देना है तो फिर आप जरूर से तेल लगाकर बनाइए, क्योंकि ठंडा होने के बाद अगर बटर तवे पे पराठे के साथ जलता भी है तो उसकी बहुत ख़राब स्मेल आ सकती है। होटल में हम जाते हैं बटर पराठा मांगते हैं पर हम गरम गरम खाते हैं, उसे कभी भी ठंडा करके या पैक करके घर लाके हम नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। बाद में मैंने चटनी जो बनाई है, चटनी के लिए जो भी मैंने साहित्य लिया है वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको ये चटनी का मसाला बताती हूँ। हम इसको खड़ी चटनी बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसे खड़ी चटनी बोला जाता है। एक पराठा और मैं बेल लेती हूँ और तवे पर डालकर फिर मैं चटनी बनाकर आपको दिखाती हूँ। पराठा बेलने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, आटा अगर नरम गूदा हो और हम हल्के हल्के बेलेंगे तो हमें ज़्यादा बेलना नहीं है। बहुत बड़े भी पराठे बनाना है तो फिर आप
बड़ी लोई लीजिए। मैंने मीडियम साइज के पराठे बनाए तो मैंने मीडियम लोई ली है और इसको ज़्यादा बेलना नहीं पड़ता है। तो अब देखिए ये मेरा एक पराठा बन गया है। मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और ये दूसरा पराठा मैं इसके ऊपर डालती हूँ। अब देखिए मैंने ये मिक्सर का जार लिया, इसमें मैंने चटनी बनाई थी पहले। तो अब ये देखिए ये मैं लहसुन की कलियाँ इसमें डाल रही हूँ, साथ साथ ये सूखा नारियल मैंने इस तरीके से काट लिया था, तो ये सूखा नारियल भी मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं थोड़ा पराठा पलट देती हूँ और अब देखिए मैं इसमें मेरा नमक का चम्मच कम है, चटनी के हिसाब से ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। इसके साथ साथ मैंने ये ब्याड़गी मिर्च पाउडर या कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर ली है कि चटनी मेरी लाल दिखे, तो मैं इसमें बस एक चम्मच डेढ़ चम्मच मैंने ये डाला है। साथ साथ मैं इसमें जीरा डालूँगी, मेरा जीरे का चम्मच भी बहुत छोटा है तो मैं ये 3 चम्मच जीरा इस चटनी में डाल रही हूँ। अब मैं ये चटनी को पीस कर लेके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसमें पानी नहीं डालना है, ये चटनी खड़ी ही पीसना है, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। अब देखिए ये हमारा दूसरा भी पराठा बनकर रेडी हो गया है। मैं इसको निकाल लेती हूँ और मैं ये तीसरा पराठा अभी इस पे तवे पे डाल देती हूँ। और ये देखिए ये मैंने रेड चटनी पीस कर लाई है, इसे खड़ा खड़ा ही पीसा जाता है, इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसा जाता, इसमें पानी नहीं डाला है। जब ये चटनी आप एक बॉक्स में निकाल कर फ्रीज में अगर आप चटनी रख दोगे तो फ्रीज में जब आप चटनी रखोगे तो ये 15 दिन टिकती है। इसमें से थोड़ी चटनी मैंने इस बोल में निकाल ली है। तो देखिए अब हमारे आलू के पराठे और ये मस्त लाल रंग की बिना तीखी चटनी तैयार हो गई। अब ऐसा है ये चटनी आप सूखी खाना चाहते हो तो सूखी खाइए, अगर सूखी नहीं खाना है तो दही में इस चटनी को मिक्स करके आप आराम से खा सकते हो। तो और अगर मैंने तो सूखा नारियल डाला है क्योंकि नारियल की और नारियल और लहसुन की चटनी है तो हम लोग इसको मराठी में लहसुन खोबऱ्याची खड़ी चटनी ऐसा बोलते, इसीलिए मैंने इसमें भुना मूंगफली नहीं डाला है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप भुनी मूंगफली भी इसमें डाल सकते हो। तो आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर ज़रूर मुझे बताइएगा। बाहर पुणे में बारिश बहुत हो रही है और पसीना भी आ रहा है, तो शाम का ये गरम गरम खाना हमारा अभी रेडी हो गया है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा। साथ साथ मेरी रेसिपी के लिए आप ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। लहसुन की चटनी के साथ ये पराठा बहुत अच्छा लगता है और मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है तो ये तीखा नहीं है, सिर्फ आपको लाल दिखेगा, जैसे राजस्थानी चटनी रहती है वैसा ही ये है। आप इसको दही के साथ खा सकते हो, दही के साथ नहीं खाना है तो उसके ऊपर तेल लेकर आप रोटी ज्वारी की भाकरी या फिर कोई भाकरी के साथ भी खा सकते हो। कोई भी सब्जी आपने बनाई उसमें मसाले के तौर पर आप इस चटनी को यूज कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।